सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ठीक है जी, एक बच्चा पूछ रहा है। हाँ पूछो। इलेक्ट्रिक गैस को यूज करना कि नहीं? इलेक्ट्रिक गैस ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी हो तो ठीक है। अगर आपके पास उसका कोई विकल्प नहीं है तो जरूर इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अगर विकल्प है, भारत में तो है ये मैं जानता हूं, इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं। डी, आबोहवा से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जैसे राजस्थान में गेहूं की बहुतायत होती है और यहाँ पे चावल की होती है। हाँ। यहाँ पे चावल के खाने के आइटम ज्यादा हो, तो क्या ये सही होगा कि यहाँ चावल का हम खाने में चावल का उपयोग ज्यादा करें? बिल्कुल सही होगा। आप इस समय चेन्नई में रहते हैं, तमिलनाडु और पूरा एरिया चावल के लिए मशहूर है, तो आप चावल ही ज्यादा खाइए। और इसको ज्यादा आगे बात गहरी बता देता हूं, यहाँ की जो मिट्टी है तमिलनाडु की खेतों की मिट्टी और राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहां की मिट्टी आप अगर देखोगे तो वो ऐसी है जो पानी को ज्यादा देर पकड़ के रखेगी, और राजस्थान की मिट्टी रेतीली है जिसमें पानी टिकेगा नहीं। ये भगवान ने अच्छे से बनाया है। राजस्थान के लोग जहां रहते हैं, जिस तापमान में रहते हैं, जिस आबोहवा में रहते हैं, उनको शरीर में कुछ ऐसे केमिकल ज्यादा चाहिए, तो वो उस मिट्टी में ही है जो रेतीली है। आप जहां रहते हैं, यहां की आबोहवा तापमान राजस्थान से भिन्न है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आपको वो केमिकल नहीं चाहिए, तो भगवान ने ऐसी मिट्टी बनाई। तो यहां की मिट्टी से जो चावल पैदा हो रहा है वो आप ज्यादा ही खाइए। गेहूं राजस्थान से लाकर खाने की कोशिश मत करिए, माने आप अगर ये कोशिश करेंगे तो तकलीफ आपको आने वाली है। इसलिए आबोहवा का ध्यान रखिए। चावल के प्रिपरेशन यहां ज्यादा है, वो आप ज्यादा खाइए। अब समस्या आपके साथ ये है कि आप राजस्थान से आ तो गए, राजस्थान छूटा नहीं आपसे, वो छूटता नहीं है, समस्या वहां आती। हम बिहार से आ गए तो सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन नहीं हुआ, मन अभी भी है राजस्थान में। माने मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूं कि अनुकूल परिस्थिति हो गई तो आप वापस राजस्थान चले ही जाएंगे, क्योंकि मन नहीं छूटा आपका। मन नहीं छूटा है इसलिए आपका स्वाद भी नहीं छूटा। ये सब मन का खेल है, मन से सारे स्वाद और वो सब जुड़े। मन नहीं छूटा तो स्वाद नहीं छूटा, तो आप फिर गेहूं मंगवाते हैं और उसको रोटी बना के खाते हैं, वो स्वाद के लिए तो ठीक है, पौष्टिकता के हिसाब से आपके लिए चावल ज्यादा ठीक है। तो शायद आपने एक बैलेंस बना लिया है कि रोटी भी खाते हैं चावल भी खाते हैं, यही है ना, तो इसी को चलने दीजिए। मैं आपका मन छुड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप परमानेंट यहां रहें। एक दिन राजस्थान तमिलनाडु से अच्छा हो जाए तो आप चले जाएं, ये मैं चाहता हूं, तो मेरे लिए वो स्वदेशी के लिए अच्छा है। तो आप मन को और स्वास्थ्य को बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस इसमें यह है कि दो तीन रोटी खा लीजिए और थोड़ा चावल खा लीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए, थोड़ा इडली खा लीजिए और थोड़ा हलवा खा लीजिए, हलवा इडली के साथ जरूर खा लीजिए बैलेंस के लिए। थोड़ा डोसा खा रहे हैं तो थोड़ा बाजरी का रोटी का एक आध टुकड़ा या आधा बाजरी की रोटी का, ये मैं बताऊंगा आपको आने वाले समय में किसके साथ क्या खाएं और आपका बैलेंस बना रहे, टिका रहे। लेकिन इसको ध्यान में रखिए कि आप स्वास्थ्य के लिए थोड़ा, क्योंकि मन भी अगर आपका बहुत दुखी हुआ तो स्वास्थ्य खराब होगा ही, ये भी मैं बता, रोटी नहीं मिलेगी तो मन खराब होगा तो उसका असर शरीर पे आएगा, इसलिए मन और स्वास्थ्य को बैलेंस करिए। जी आखिरी सवाल। हाँ राजीव भैया, ये जो आपने बोला कि एल्यूमिनियम खाने के हिसाब से बहुत गंदी चीज है, तो आज जो भी खाना पैक हो रहा है वो एल्यूमिनियम फाइल या वो जो भी चीज है वो उसमें अंदर यूज आ रहा है, मतलब जो साइंटिफिक के हिसाब से या जो भी अभी जो पैकिंग वगैरह हो रहा है उसमें एल्यूमिनियम पे ज्यादा जोर देते हैं कि भाई एल्यूमिनियम में पैक है आपका फ्रेशनेस रहेगा, इसके ऊपर थोड़ा बहुत बोलिए। मेरा आपको एक ही विनंती है, क्योंकि ये मैं करके देख लिया है कि एल्यूमिनियम फॉइल में जो आप खाना पैक करते हैं ले जाने के लिए रास्ते में, ये बहुत ही खराब है, अच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे जी किस में पैक करें, खाना कपड़े में पैक करना सबसे अच्छा है, कपड़ा सूती कपड़ा होता है ना, पतला एकदम पतला, उसमें जो रोटी बांध के आप रखें वो दुनिया का सबसे अच्छा पैकिंग है, वो विज्ञान के हिसाब से बहुत अच्छा है। पतले सूती कपड़े में रोटी बांध कर रखना सबसे अच्छी पैकिंग।